13 सितंबर को रामपुर जाएंगे अखिलेश यादव, जौहर विश्वविद्यालय के दौरे के बाद करेंगे आजम खान से मुलाकात। लखनऊ कैंट विधानसभा उपचुनाव में सपा ने चुन लिया है उम्मीदवार, लेकिन नहीं किए पत्ते साफ। बीजेपी और सपा के पत्ते खुलने का लोग कर रहे इंतजार। बीजेपी और सपा एक दूसरे को पटकनी देने के लिए लखनऊ में तैयार, लेकिन उम्मीदवारी को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार। उन्नाव केस की सुनवाई के लिए एम्स में लगी अस्थाई कोर्ट, पीड़िता से भी टीम ने की बात, पीड़िता का एम्स में चल रहा है इलाज। अमेठी रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा आज से शुरू, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सुनी जन समस्याएं, दिया तोहफा। यूपी सरकार पर प्रियंका गांधी का जुबानी वार, कहा यूपी में पत्रकारों पर हमला क्यों, क्या बीजेपी को डरा रहा है आम जनता के मुद्दों का डर। रांची पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत, लोगों को बड़े ऐलान का इंतजार। पी चिदंबरम की अर्जी पर हाईकोर्ट में 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई, बढ़ सकती हैं चिदंबरम की मुश्किलें। कई राज्यों में आगामी चुनावों को लेकर सक्रिय कांग्रेस पार्टी, पार्टी तैयारियों में जुटी, दिल्ली में सोनिया गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत तमाम महासचिवों ने किया मंथन। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा देश की अर्थव्यवस्था सही और सुरक्षित हाथों में है, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले अपनी पार्टी की तंगी और मंदी को संभाले राहुल गांधी।